गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश जो है, जैसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे कहीं चले जाते हो और वहाँ से वापस आते हो और पूछते हैं तो बताते क्या हैं कि मज़ा आ गया। अगर आप क्रिकेट खेलने चले गए हैं और वहाँ से वापस आते और पूछते हैं कैसा आया, कैसा लगा आज क्रिकेट खेलने में, तो बोलते क्या, बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अगर पिज्ज़ा खाते हैं तो बोले आज पिज़्ज़ा खाया, कैसा लगा, तो बोलते हैं बहुत मज़ा आ गया खाने में। अगर चिकन खाते हैं तो बोलते हैं कैसे है कि कैसा लगा, तो बोलते हैं चिकन भी खाने में मज़ा आ गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ कि इंग्लिश में हम कैसे इसको बोलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आगे के अगर नोटिफिकेशन पाना है तो दोस्तों वहाँ पे एक बेल घंटी होगा, वहाँ प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका जो भी वीडियो मैं अपलोड करे या डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों आपको यही करना है, आपको कुछ नहीं करना, और बने रहिए और देखते रहिए, एक से एक आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग ये सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पे अगर प्रेजेंट में हम लोग बोलेंगे तो प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इंजॉय और इंजॉयज, मतलब भी वन और भी फाइव, प्लस ए लॉट ऑफ का यूज करना है। उसके बाद जीरंड फॉर्म का यूज करना है, मतलब किसी भी वर्ब का चौथा रूप, चौथा फॉर्म लिखना है या बोलना है, या उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट डालना है। तो चलिए आज हम पहला जो सेंटेंस यहाँ कैसा है कि मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। पूछते हैं कैसा लगता है, क्या चीज़ करने में आपको कैसा लगता है। तो कोई बोलते हैं पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है, कोई बोलते हैं क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, कोई बोलते हैं पढ़ने में मज़ा आता है, कोई बोलते हैं इंग्लिश सीखने में मज़ा आता है, मैथ बनाने में मज़ा आता है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे कि मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे कि आई इंजॉय ए लॉट ऑफ प्लाइंग क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, मुझे पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है। क्या करने में मज़ा आता है, पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है, कैसे बोलेंगे, आई इंजॉय ए लॉट ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। थर्ड वर्ड है आपका, थर्ड सेंटेंस है क्या है, मुझे चिकन खाने में मज़ा आता है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो आई इंजॉय ए लॉट ऑफ ईटिंग चिकन, ठीक है, चिकन है ना, चिकन बोलेंगे, चिकन। इस तरीके से हम लोग, अगर ऐसा सेंटेंस है तो इस तरीके से हम लोग को बोलना है। वीडियो को शेयर करते दोस्तों फटाफट। चले नेक्स्ट देखते हैं, मुझे घूमने में मज़ा आता है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको, ट्रांसलेट या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई इंजॉय ए लॉट ऑफ वांडरिंग, ठीक है, घूमने में मज़ा आता है। फाइव सेंटेंस है आपका, हमें कॉलेज जाने में मज़ा आता है। तो हमें कॉलेज जाने में मज़ा आता है, तो वी इंजॉय ए लॉट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। अगर दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस जो मज़ा आ रहा है तो आप शेयर कर दे दोस्तों के पास। चलिए नेक्स्ट है, मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आया। क्या करने, क्रिकेट खेलने में मज़ा आया, कोई फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है, किसी को किसी में मज़ा आता है, तो इस तरीके से करने हैं। तो यहाँ इसको क्रिकेट खेलने में मज़ा आया, इसको ट्रांसलेट कैसे करना या कैसे बोलना है, आई इंजॉयड ए लॉट ऑफ प्लाइंग क्रिकेट। दोस्तों यहाँ भी टू यूज करना है, क्या यूज करना है, भी टू पास्ट टेंस है, भी टू यूज करके हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मुझे पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आया। तो कैसे करें इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई इंजॉयड ए लॉट ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। उसके बाद मुझे चिकन खाने में मज़ा आया, तो आई इंजॉयड ए लॉट ऑफ ईटिंग ईटिंग चिकन।
इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे अगर पास्ट टेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट है, मुझे घूमने में मजा आया, तो आई इंजॉयड ए लॉट ऑफ वांडरिंग। क्या वांडरिंग, घूमने में, इधर उधर घूमने में मजा आया, तो ऐसा ही लिखेंगे कि आई इंजॉयड ए लॉट ऑफ वांडरिंग्स। थर्ड फोर्थ फाइव सेंटेंस है, हमें कॉलेज जाने में मज़ा आया, तो यहाँ हमें कॉलेज जाने में मज़ा आया, तो इसको कैसे बोलेंगे, वी इंजॉयड ए लॉट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। अगर दोस्तों वीडियो को पसंद आ रहा है दोस्तों शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर जो भी है करते रहे, और आप लोग जो है अगर पिछले वीडियो और सारे ग्रामर है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।